मतलब ये इंसानी सोच नहीं देख रही है, बल्कि वही के आईने में उसे बताया जा रहा है। तो एक बहुत खूबसूरत शे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में ख़वातीन को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी है, और उस अहमियत में सबसे बड़ी अहमियत ये कि पूरा एक सूरा सूरे निसा के नाम से रखा। दूसरी अहमियत ये दी है कि जिन ख़वातीन को रोल मॉडल बनाया तो उनमें जनाब मरियम के नाम से एक सूरा रखा, ये दूसरा। उसके बाद अगर ये लाजमी है कि एक सवाल था कि अगर गुज़िश्ता ख़वातीन में सूरे निसा है या सूरे मरियम है, तो जो आज और क़यामत तक की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं, क्या उनके नाम पे कोई सूरा नहीं है? तो अल्लाह ने वो जो एहतियात बरती है अहले बैत के सिलसिले में कि उनका नाम नहीं सिफात लिखे, तो पूरा सूरह कौसर रख दिया और सूरह दहर रख दिया, ताकि पता चल जाए कि अगर हमने ख़वातीन को कुरान मजीद ने जगह दी है, तो अगर गुज़िश्ता ज़माने की ख़वातीन को जगह दी है मरियम के नाम से सूरह रख के, तो क़यामत तक के आने वाली ख़वातीन के नाम से भी हमने एक सूरह रखा है, उसे सूरह कौसर कहते हैं या सूरह दहर कहते हैं। तो ये एक पैगाम है। 46 टाइम तकरीबन जन का या औरत का तस्करा कुरान मजीद में हुआ है। अरबी में इसके लिए दो लफ्ज़ हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ज़रा सा डिफरेंट है इसका। इमरा कहते हैं एक औरत को, उसका प्लूरल जब बनता है तो वो निसा हो जाता है, इसीलिए सूरह निसा है, सूरह इमरा नहीं है। और सूरह निसा में अल्लाह ने बहुत सी बातें ख़वातीन के बारे में बताई है। लेकिन यहाँ जो एक ख़ास पैगाम आपको देना है, कुरान मजीद ने ख़वातीन के तकरीबन 11 हक बयान किए हैं। कुरान मजीद ने ये 11 हक आपको सुनाने कि हमें हक ये याद रहें, तभी हम सही तौर पर योम ख़वातीन मना सकते हैं। अगर हम उनका हक़ ही न जानते हो तो अदा कैसे करेंगे, और अगर हम अदा करना चाहते हैं तो किसने हक़ बयान किए हैं? तो खालिक़ कायनात अल्लाह है, जन व मर्द का खालिक भी अल्लाह है, और इनका हुकूक़ का बयान करने वाला भी और इनकी मुहाफ़ज़त करने वाला भी खुदा है। तो यहाँ पर जो खुदावंद आलम ने हुकूक़ बयान किए हैं, अब उन्हीं को तेज़ी से आपको बयान करूँ। ये 11 हक़ है, जितने कंप्लीट हो जाते हैं तो वो आप यकीनी तौर पर अपने जहन में रखें, और जब कभी इस्लाम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि यहाँ मर्द औरत में फ़र्क किया जाता है, तो उन्हें बताया कि नहीं, हमारे यहाँ इस सिन को बहुत एहतराम दिया जाता है, इसकी बहुत इज्जत की जाती है, खुदा ने इसको बहुत बड़ा मर्तबा दिया है, वो खुदा ने खुद उसे बयान किया है। उन बयान करने वाले हक़ में सबसे पहला हक़ जो अल्लाह ने औरत को दिया है, जिस ज़माने में उसको उसका यह हक़ छीना जा रहा था, वह हक़ ज़िंदगी है, ज़िंदा रहने का हक़ औरत को क़ुरान ने दिया है। और किस तरह से दिया है? लाजमी है कि दौर जाहिलियत में दुनिया में बेटी को आने से पहले ही मार देते थे, या दुनिया ज़िंदा होने के बाद ज़िंदा दफना देते थे। ऐसे में खुदावंद आलम ने सूरह शम्स का वज़ल शम्स कुव्वरत वज़ल जिबालो सुय्यरत वज़ल इशारो उत्तलत वज़ल बिहारो सुजरत वज़ल मऊदतो सोलत अय्य ज़म्बिन क़ुतिलत। ये सवाल कुरान कर रहा है, क्या कह रहा है? ये बड़ा पेश मंज़र पेश किया है कि जब सूरत की जो है वो तपिश और उसकी चमक उससे ले ली जाएगी, जब पहाड़ जो हैं वह हवा में रूई की तरह उड़ने लगेंगे, और इसी को आगे तस्करा करते हुए अल्लाह कह रहा है कि उसके बाद हम कयामत में उनसे ये सवाल करेंगे कि तुमने किस गुनाह पर इस बच्ची को कत्ल कर दिया। ये जो है वैदल मऊद तो सोलत बई ज़मीन कतलत, क्योंकि बच्चे को पैदा होते ही जिंदा दफना देते ये उस, तो अब लाजमी है कुरान ही बड़ी अहमियत की बात बता रहा है। वो कह रहा है कि वो ख़वातीन के जो मुसलमान नहीं हैं, या जो बच्चियाँ भी इस्लाम पे नहीं हैं, लेकिन खुदा ने उनके भी हक़ का ख्याल रखा है। ये जो है ये सबसे बड़ा पैगाम कि औरत की ज़िंदा रहने का हक़ जो अल्लाह ने दिया मुसलमान औरत को नहीं है, हर औरत को दिया है। इसीलिए जो बात कुरान ने इस सूरह शम्स में बयान की, ये क्लियरली बताया। क्या बताया? ये बताया सूरह कुदरत में कि ये जो हक़ है इस औरत को जो मिला है, ये उन औरतों का तस्करा है जो दौरे जाहिलियत में इस अमल को कर रहे हैं। खुदा उनके बारे में भी सवाल करेगा कि किस जुर्म में इनको कत्ल कर दिया गया। कोई जुर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सवाल करना इस बात का अकास है, इस बात की दलील है कि अल्लाह ने औरत को हक़ ज़िंदगी दिया है, जिसे आज भी लोग छीन रहे हैं। मैं आपको इसकी डिटेल में जाऊँ तो बहुत है। देखिए, दो तरह का हक़ होता है, सांस लेने का हक़ नहीं होता खाली,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस लेने का हक दे दिया, उसका सारे हक हमारे हैं, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हर हक उनको दिया है जो उनकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। दुनिया में औरत को प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लाम ने औरत को जो हक दिया है वो हक बहुत ही अजीम है। वो माँ का हक है, वो बेटी का हक है, वो बहन का हक है, और ये हक अल्लाह ने उस अजमत में दिया है कि जिसका इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और उसी परतों में ये बयान किया है कि अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। इससे बड़ा हक अल्लाह इज्जत वाला, अजमत वाला दे नहीं सकता था। ये पहला हक है। उसके बाद अल्लाह ने जो दूसरा हक औरत को दिया है, देखिए मैं हदीस वाले सुनाऊंगा तो बहुत होगा, तो ये सिर्फ कुरान वाले हक आपको सुना रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए इसके अंदर जो दूसरा हक यह हदीसों से भी है, और हक दूसरा हक जो दिया वो इल्म हासिल करने का हक है, क्योंकि दोनों को इल्म हासिल करने का हक है। वो क्या है कि हर औरत को एजुकेट होना चाहिए, हर औरत को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस्लाम ने जब भी किसी से तकाजा किया है कि वो अपने वाजिबात पे अमल करे, अपने वाजिबात के ऊपर अमल करे, तो वाजिबात का सीखना वाजिब है, वाजिबात का सीखना वाजिब है। इसीलिए अल्लाह ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की जो अज़मत बयान की है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उस अजमत में ये बहुत बड़ा अहम परतो रखा, एक फिक्र रखी। वो क्या रखा कि आपको जुज़्व रिसालत करा दिया। फातिमा तो बिज़्ज़त उमिनी का बिवात उमिनी, तो इसका मतलब क्या, वो अब लाजमी है कि अगर कह दें कि वह माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के, तो अब अगर इस परतों में देखेंगे तो फातिमा जुज़्व रिसालत है। जब जुज़्व रिसालत है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई तालीम और तरबियत का मरहला आएगा, जब मर्द इस अमल को अंजाम नहीं दे सके, तो कोई मासूम खातून होना चाहिए जो अहकाम रिसालत को ऐसे ही पहुँचाएँ जैसे रसूल पहुँचा सकते थे। तो ये हक आमोजिश कहते हैं फारसी में, या हुसूल इल्म का हक, एजुकेशन का हक, जो अल्लाह ने औरत को दिया। ये बहुत बड़ा हक है, और इसी के लिए कहते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल मुस्लिम वल मुस्लिमा। रसूल ने बहुत क्लियरली कहा कि हर मर्द और औरत पे वाजिब है कि वो इल्म हासिल करें। इसलिए जब भी आप अपनी बच्चियों को तालीम और तरबियत की तरफ रगबत देते हैं, इस फरीज़े के साथ दें कि ये अल्लाह और रसूल के हुक्म पर आप अमल कर रहे हैं, उन्हें एजुकेट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसी के साथ लाजमी है कि उस एजुकेशन में जो भी रिक्वायरमेंट्स है शरीयत की, उसे मद्देनज़र रखा जाए। तीसरा हक जो कुरान ने औरत को दिया है वो आबरू और इज्जत का हक है, जो आज सबसे ज़्यादा छीना जा रहा है। तीसरा हक कौन सा है जो औरत को दिया है, वो उनकी रेस्पेक्ट का हक है, वो उनकी इज्जत का हक है, उनकी आबरू का हक है। और इस हक के सिलसिले में सूरह नूर की 23वीं 23 नंबर की आयत है, इन लज़ीना यरमून अल मुहसिनात अल गाफिलात अल मोमिनात लुइनू फिद दुनिया वल आखिरत वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये अल्लाह ने एक बहुत ही डायरेक्ट पैगाम दिया है। वो क्या कहा है इस सूरह नूर की 23वीं आयत में, कि जो लोग नेक और पाक दामन औरतों पर बहतान लगाते हैं, ये लानत के मुस्तहिक है। खुदा ने उनके ऊपर लानत की है। कहाँ? लोइन फिद दुनिया, इस दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी इन पर लानत है। और उसके साथ क्या है, लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत ही बड़ा अज़ाब है क़यामत में। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर फॉल्स एलिगेशन किसी पे लगाते हैं, ख़ास करके ख़ातून पे लगाते हैं, तो ये एलिगेशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लिए। वो ख़तरनाक क्या है कि इंसान मुस्तक़िल लानत करार पा जाता है, दुनिया में भी आखरत में भी। तो ये आबरू का हक है, यानी अल्लाह ने कितना प्रोटेक्ट किया औरत की आबरू को, कितना प्रोटेक्ट किया है। और प्रोटेक्ट इसीलिए किया है कि किसी भी एतबार से उस पर झूठा इल्ज़ाम न लगाया जाए। अगर झूठा इल्ज़ाम तुमने लगा दिया, उनकी इस्मत को, उनकी जो है डिग्निटी को हर्ट किया, तो ये तुम उनकी डिग्निटी को हर्ट नहीं करते, तुम अपनी आखरत की नजात को हर्ट करते हो, कि खुदा तुम पे लानत भेजेगा दुनिया में भी और आखरत में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अल्लाह ने ये बहुत ही बड़ा पैगाम दिया है, और ये पैगाम खुद बता रहा है कि अल्लाह की निगाह में औरत की कितनी इज्जत है। इस इज्जत का खुदा ख्याल रखने का हुक्म दे रहा है, ताकि इंसान इससे बाकायदा आगाह रहे। उसके बाद जो अल्लाह ने हक दिया है वो नज़ारत का, यानी किस एतबार से कि खुदावंद आलम ने, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 71 है, वल मोमिनीन वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़ या मरून बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर।
यानी ऐसा नहीं है कि खाली आदमी ही यानी ये नज़ारत का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हक़ दिया है। किस चीज़ का हक़ दिया है? उन्हें भी रिस्पॉन्सिबल बनाया है। सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उनकी भी बहुत सी जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारी में क्या है, एक जिम्मेदारी जो अल्लाह ने कहा वो क्या है कि वो औलिया दोनों के ऊपर जो है वो विलायत है, दोनों को हक़ विलायत दिया। यानी औलाद पे सिर्फ बाप का हक़ नहीं है, माँ का भी हक़ है, विलायत है उनके ऊपर, उनकी एक अथॉरिटी बनाया उनको। तो औरत को भी अथॉरिटी दी है और मर्द को भी अथॉरिटी दी है। इस अथॉरिटी में दो पैगाम है, क्या है कि यामरून बिल मारूफ है व यनहून अनिल मुनकर। यानी सिर्फ मर्द ही पे वाजिब नहीं है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करे, बल्कि औरत पे भी वाजिब है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करती रहे। तो ये दूसरा पैगाम है कि जो औरत के सत्य में लाने कि उनको भी ऑथराइज किया, उनको भी अथॉरिटी दी, उनको भी पावर दिया है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, खास करके अपनी औलाद के सिलसिले में और अमल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यानी दीनी पैगामात को पहुंचाने के सिलसिले में। ये राइट बहुत कम मिलता है, लेकिन आज दुनिया इसे समझ रही है, लेकिन कुरान मजीद ने इस राइट को बहुत पहले दिया है और इस राइट को अल्लाह ने प्रोटेक्ट भी किया कुरान मजीद ने। उसके बाद जो अगला राइट कुरान मजीद दे रहा है वह पाँचवा हक है, जो सूरह मरियम की 41 नंबर की जो है वह आयत में कि तवस्करू फिल किताब इब्राहिम है ना, वस्करू फिल किताब मरियम। ये दो जो है पैगाम है, एक सूरह मरियम की 16वीं आयत है, एक सूरह इब्राहिम की 41 की आयत में। उसमें क्या कहा जा रहा है कि इनको जो है तारीख़ की तहलील का, यानी जब आप हिस्ट्री को पढ़ें तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ आप जो है मर्दों की हिस्ट्री पे निगाह करें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मर्दों की हिस्ट्री ही इंसान के लिए मशाल राह दिखाने वाली है, उसी से इंसान सबक ले सकता है, उसी से इंसान अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। नहीं, ये कहा है कि दोनों चीज़ एक साथ बयान की, वो क्या है वस्कुरफी किताब इब्राहिम का है, उसी के साथ कहा है वस्कुरफी किताबिल मरियम का है, किताब मरियम का है। तो किताब मरियम कह के बताया जा रहा है जितना जनाब इब्राहिम की जो है वो तारीख इंसानियत साज है, इतनी जनाब मरियम की तारीख भी इंसानियत साज है। दोनों की तारीख इंसानियत साज है, दोनों की तारीख को देखकर इंसान अपने किरदार को संवार सकता है। तो ये हक तारीख, यानी क्या है तहलील तारीख, इंसान जब भी पास्ट में जाएगा तो ऐसा नहीं है कि औरतों को साइड में कर दे, मर्दों की तारीख पढ़े। इस्लाम ने ये राइट भी बहुत बड़ा दिया, इस राइट की बड़ी अहमियत है। इसका मतलब क्या है कि वो रोल मॉडल हैं और इस रोल मॉडल होने के अतबार से तारीख ने उनको ये राइट दिया कि जैसे इब्राहिम की तारीख को बयान करना चाहिए, इसी तरह से मरियम की तारीख को भी बयान करना चाहिए। तो ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि जहाँ रसूल की तारीख बयान होगी वहाँ जुज़्वे रसूल फातिमा ज़हरा की तारीख भी बयान होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छठा हक जो औरत को दिया अल्लाह ने वो और बहुत खूबसूरत है। उस हक में बाकायदा उनको रोल मॉडल डिक्लेयर किया अल्लाह ने कि ये इंसानियत के लिए रोल मॉडल हैं, इनको बाकायदा रोल मॉडल के तौर पर, उल्गू के तौर पर, एक इंसान के लिए तरबियतगाह के तौर पर पेश किया है। और उसके लिए बहुत ख़ास पैगाम अल्लाह का ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 11 है कि वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनू इमरात फ़िरऔन। क्या कहा है वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनू इमरात फ़िरऔन, के जो तमाम जो इंसान तारीख पर निगाह रखते हैं उनको चाहिए कि वो देखें कि हमने फ़िरऔन की ज़ौजा सलाम फ़िरऔन की ज़ौजा को लोगों के लिए एक सिंबल, एक रोल मॉडल के तौर पर जो है वो बनाया है। अब आप तारीख के अंदर देखें कि ये अल्लाह ने किस तरह से जो है ये पैगाम दिया कि फ़िरऔन आपको पता है कैसा इंसान था, लेकिन उसकी ज़ौजा इंसानियत के लिए क़यामत तक रोल मॉडल है। ये कुरान की आयत क़यामत तक के लिए, जब क़यामत तक के लिए तो ये ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनू इमरात फ़िरऔन क्या क्या अल्लाह ने बता दिया है कि तमाम मोमिन मोमिनात औरतों के लिए, आमनू क्या क्या अल्लाह ने दोनों को शामिल कर दिया है कि मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी फ़िरऔन की बीवी सिंबल है, औलगु है, एक रोल मॉडल है। रोल मॉडल किस तरह से, अब ये बहुत बड़ा रोल मॉडल कि कितना ही ख़राब माहौल हो इंसान उसके बाद भी अपने ईमान को बचा सकता है। ये पैगाम जो है इस तारीख के परतों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चला कितना ही ख़राब माहौल, इंसान माहौल की दुहाई देके अपने आप को बचा नहीं सकता, किसी के इन्फ्लुएंस की दुहाई देके भी आपने को बचा, फलां हमारे साथ ऐसा था क्या करते हम तो बिगड़ गए, ये दुहाई भी आदमी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका रीज़न दलील ये कि एक मर्द का औरत के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस होता है, फ़िरऔन जैसे ताकतवर इंसान का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा,
मूसा डायरेक्ट अल्लाह से बात करने वालों से टक्कर ले रहा है, लेकिन ऐसे टक्कर लेने वालों से जो टक्कर लेकर अपने ईमान को बचा दे उसका तस्करा कुरान करता है। ये पैगाम है इसमें, ये पैगाम है कि इंसान को सोसाइटी में मिस्त्री की तरह घुल नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उनका अल्लामा नौनहरवी का जो है एक बहुत बेहतरीन फकरा याद आया, उन्होंने कहा कि फिरौन मिस्री था इसलिए भूल गया। फिरौन मिस्री था इसलिए भूल गया। खूबसूरत लफ्ज जूम आना ताकि इंसान इसे पता लग जाए कि हमें सोसाइटी के अंदर जब रहना है तो अपनी ईमान के रंग को बाकी रखना है, किसी और रंग को अपने ऊपर चढ़ा नहीं लेना है क्योंकि और रंग हमारी मुनासिब नहीं है। ये बहुत बड़ा पैगाम इस्लाम का, जो कहते हैं उल्गुबुदन यानी सिंबल है कि औरत को बाकायदा अल्लाह ने सिंबल के तौर पर एक मिसाल के तौर पर पेश किया है। तो अब वही मेरा पैगाम है जाना ग्रामी, अब ये अयाम जो है तीनों एतबार से बहुत अहम है, योम जन है, योम मादर है और फातिमा जहरा की विलादत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इंग्लिश तारीखों के एतबार से इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को एक साथ जमा किया है और कुरान के रोशनी में औरत के 11 हक जो कुरान ने बयान किए वो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। ये 11 हक 11 राइट्स कुरान ने औरत को दिए हैं। इस हक को हम जब दुनिया के सामने पेश करेंगे तब पता चलेगा कि इस्लाम इस सिन्फ नाजुक के लिए क्या फिक्र रखता है, क्या तदबीर रखता है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, कैसा वो औरत को देखना चाहता है। ये उसका पहला पैगाम है। दूसरा क्या है कि शख्सियत यानी खुद औरत एक अपने अंदर ज़ाहिरी तौर पर सेपरेट एंटिटी है, ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ मर्द की परतों में ही देखा जाएगा, नहीं। शख्सियत कहते हैं किसी इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, तो शख्सियत पर्सनैलिटी को कहा जाए, तो खुद औरत की पर्सनैलिटी को इस्लाम ने तस्लीम किया है और उसको सिंबॉलिक तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है। इस शख्सियत होने के एतबार से क्या है, ये भी खुदावंद आलम जो है ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, ये पूरी की पूरी आयत है जिसमें कहा जा रहा है कि कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना बनाए, क्योंकि हो सकता है कि जो मजाक बनाने वाले हैं, है ना, जिनका मजाक बना रहे हैं वो उनसे बेहतर हों। ये चीज़ मर्द के बारे में कही, यही चीज़ औरत के बारे में भी कही है। तो दोनों एतबार से जब कही है तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ मर्द की पर्सनैलिटी को अल्लाह ने सेव किया है वहीं औरत की पर्सनैलिटी को भी सेव किया, यानी उसे भी आप डैमेज नहीं कर सकते, उसको भी आप ख़राब नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने उनकी पर्सनैलिटी का भी ख्याल रखा है, उसका भी हक दिया है और उसे भी प्रोटेक्ट करने का इंसान को हुक्म दिया है। उसके बाद जो आठवां हक है कहते हैं वो सूरह तलाक की आयत नंबर 6 में, यानी किसी जगह का मस्कन का। अब ये मस्कन का मतलब क्या है कि उस्कुनु हुन्ना मिन हैथ सकंतुम मिन वुजिदकुम, है ना। ये खुद आयत है कुरान मजीद की कि वे खाने हाय मस्कन बेदही हमान तौर के खुदतान मस्कन दारे, कि अपनी औरतों को भी घर दो जैसा कि तुम अपने घर रखते हो। तो अब लाजमी की एक और चीज़ है, अब इसमें बहुत से राइट आ जाते हैं एक साथ। मस्कन का मतलब क्या है कि रहने का हक, घर। तो आप अब आप अच्छा अब तो देखिए बाज़ औक़ात बड़ा मज़ेदार बात होती है, जब आदमी किसी का राइट लेता ना तो तारीख़ इंतकाम लेती है ना, तारीख इंतकाम लेती है। इसको भी देखिएगा कभी, मैं आपको मज़ेदार बात हूँ, मैं भी इंडिया गया हुआ था तो एक प्रॉपर्टी आई सेल के लिए, तो बोले ले लीजिए। मैंने कहा भैया मैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं आपको टैक्स बहुत, आप तो मैरिड है। मैंने कहा मैरिड हूँ, आपकी वाइफ है। बोले हाँ वाइफ भी हैं। बोले क्यों? बोले अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे लेंगे तो आधा ही टैक्स लगेगा। अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लेंगे नहीं तो आधे। मैंने क्यों भाई? तो बोले इन्होंने टैक्स में ऐसा कर दिया है कि मर्द अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेता है तो डबल टैक्स है, औरत के नाम पे लेता है तो आधा टैक्स है। तो सारे अपनी बीवियों के नाम पे घर ले रहे हैं। भाई अल्लाह ने कहा था अपनी औरतों को घर दे दो। ये तारीख इंतकाम, कभी कभी यानी इंसान कायल नहीं होता उनकी शख्सियत का, कायल नहीं होता कि उनको उनका राइट दिया जाए। इस्लाम कहता है ठीक है तुम नहीं देते, हम दिलवा देंगे, किसी भी तरह से दिलवा देंगे, हमारे पास बहुत से तरीक़े मौजूद हैं। तो ये राइट आपको पता चलता है कि इस्लाम ने क्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द ही जो है प्रॉपर्टी ऑन कर सकता, नहीं, प्रॉपर्टी औरत के नाम पर भी हो सकती है और उसका भी अपना राइट है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि जहाँ प्रॉपर्टी ऑन करने की बात होगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली होगा कि वो इर्स भी लेगी, तभी तो ऑन करेगी, तभी तो वो
ऑन करेगी। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा बेनिफिट है जो दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है। अच्छी चीज़ है ये, कभी कोई कानून अनजाने में बना देते हैं लोग, उनको पता नहीं होता, लेकिन इस्लाम ने इसके पीछे कोई लॉजिक रखी है, शायद वो लॉजिक भी उनके समझ में आए और उनके आगे काम आ सके। तो ये उसके बाद कहते हैं उसका हक आज़ादी दिया, आज़ादी का हक दिया है। तो अब यहाँ सूरह बकरा की आयत नंबर 229 है, अतलाक मरतान फ इमसाकुन बे मारूफिन और तस्रीखुन बे एहसान। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें, आज़ादी से मुराद क्या है, दो तीन तरह की आज़ादी होती है इंसान को। एक आज़ादी ज़ात की होती है, एक आज़ादी फ़िक्र की होती है, एक आज़ादी बंधन की होती है ना। तो लाजमी कि मेरा बताया शख्सियत बिल्कुल सेपरेट रखी है औरत की, उसको अपनी एक खुद उलगू बनाए, उसको बाकायदा रोल मॉडल बनाया है, यह आज़ादी शख्सियत की है। उसके बाद फ़िक्र की आज़ादी है, वही तालीम है, तरबियत है, अमर मारूफ है, नहीं मुनकर है, ये सब फ़िक्र की आज़ादी है जो औरत को बराबर की दी है। अब तीसरी चीज़ जो आज़ादी है वो बंधन की आज़ादी है, कि कभी किसी बंधन में बंध गई हैं, कि जो लाजमी है, कि अब लाजमी है कि जो माँ बाप से भाइयों से इनसे रिश्ता होता है वो तो अटूट है, उसको तो इंसान दुनिया में कभी ख़त्म नहीं कर सकता, कि वो रिश्ता टूटता है तो उम्र से रिश्ता टूटता है, तो वो तो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जिन बंधनों में सीगों से बांधा जाता है तो वहाँ पर जितनी आज़ादी मर्द को है उतनी औरत को भी दी गई है। ऐसा ये बड़ा मसला हो रहा है भाई, बड़ा चलाते हैं है ना, तलाक 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 के बारे में बड़ा बोलते हैं। हाँ अच्छा है कि मैंने अभी तीन बार कही, हमारे यहाँ तो नहीं मना हो जाती। तो इसको याद रखिएगा, बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। तो इस्लाम इतना कच्चा मज़हब नहीं है भाई, जितना कच्चा मज़हब आप उसे समझते हैं। बहुत उसके कानून अल्लाह के बनाए हुए, और अल्लाह के बनाए हुए कानून में इतनी जो है वो कमज़ोरी नहीं होती, वो बड़ा। तो वो ये चीज़ कि यहाँ अल्लाह ने दोनों चीज़ के, दोनों के एतबार से ये राइट दिया है, कि ऐसा नहीं है कि एक ही की आइडियोलॉजी से ज़िंदगी दुश्वार नज़र आ रही हो सकता है दूसरे की आइडियोलॉजी से भी अगर ज़िंदगी दुश्वार है तो उसको भी ये हक दिया गया है। ये इस्लाम का हक बहुत बड़ा है, और ये हक बता रहा है कि अल्लाह ने हक इसलिए दिया कि अगर मर्द अल्लाह की निगाह में मोहतरम है तो औरत भी अल्लाह की निगाह में मोहतरम है, वो भी अपनी फ़िक्र से इस अमल को कर सकती है। लेकिन वो एक अलग मौजू है, तलाक पे क्या मसाइल हैं और किस तरह से इन तमाम फ़िक्रों को अल्लाह ने पेश किया है और क्यों इनिशिएटिव लेने का पहला हक मर्द को दिया है, तो वो उसको भी सिर्फ एक जुमले में अपने यह जहन में रखें कि अल्लाह ने पहले इज़दवाज में यस यस और नो का हक औरत को दिया है, फिर तलाक में यस या नो का पहला हक मर्द को दिया है। तो इसका पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक निकाह में आप खुद में बयान करते हैं, लेकिन यस और नो पहले जो लॉजिक दी, इसकी सबसे बड़ी दलील है मौलाना पहले उधर जाके पूछते हैं कबूल है, फिर इधर पूछते हैं कबूल है, अगर वहीं से ना कबूल हो जाए तो यहाँ पूछने की ज़रूरत ही नहीं। फिर वो कहते हैं फिर ये बारात वापस ले जाइए, काम की नहीं है। तो ये खुद राइट बता रहा है कि अल्लाह ने हक़ तलाक़ भी इसी तरह मर्द को लाजमी राइट दिया, पहले वो उससे पूछा जाएगा, उससे कहा जाएगा भाई तुम या तो ये फुलफ़िल करो राइट्स, अगर राइट फुलफ़िल नहीं कर सकते तो फिर उसके पीछे जो भी कार्रवाई है वो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सिस्टमेटिक है, उसमें किसी किस्म के बाहरी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ उस वक्त बाहरी इंटरफेरेंस होगा जब आप अपना कानून बनाएंगे। बहुत बेहतरीन जुमला कर रहा हूँ आपको, आप कदर कीजिएगा। वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट इंसानी कानून में तो इंटरफेयर कर सकती है, अल्लाह के कानून में नहीं कर सकती। अल्लाह का कानून मसून है, यानी इस्मत वाला है, उसमें किसी किस्म का लोच नहीं है, इसीलिए उसमें किसी और कानून के मदाखलत की कोई जगह नहीं है। तो इस्लामी कानून अगर आप अपनाएंगे जो अहले बैत ने छोड़ा है, तो किसी के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान अपने एतबार से इंटरप्रेट करेगा तो फिर कोई भी आकर उसमें मदाखलत कर सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे बहुत सही जो है पैगाम आते हैं। उसके बाद नफ़े का, यानी उनको अपना खुद पैसा और तमाम जो ज़रूरियात हैं उनके पूरा करने का हक़ है, और ये लाजमी वसाइल शिया में पूरी एक जो है वो दलील है, और उसके साथ साथ बड़ा लंबा डिस्कशन है कि नफ़ा यानी औरत को उसकी ज़रूरियात की चीज़ों को उसे फराहम किया जाए, ये मर्द पे वाजिब है। अब ये खूबसूरत चीज़ देखिए जैन ग्रामी, आप जो जॉब करते हैं माशाल्लाह काम करते हैं, ये काम करना आपका मुस्तहब रह जाता, वाजिब का सवाब ना पाते, अगर बीवी का नान नफ़ा आपके वाजिब ना होता। या आप जो जॉब पे जाते हैं वाजिब की नियत करके जा सकते हैं, इसी नियत से कि कमा इसलिए रहा हूँ क्योंकि शाम को आके हिसाब नहीं देना है। शाम को आके नान नफ़ा पहुँचाना है भाई।
نان و نفقہ یعنی جو ان کی ضروریت ہے، کھانا پینا، لباس، مسکن، یہ جو چار ضرورتیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کماتے ہیں، اولاد کی تربیت کے لیے کماتے ہیں، اس لیے یہ شے آپ کے اوپر جو ہے واجب ہوتی ہے. تو یہ رسپانسبلٹی ہے، اس لیے واجب ہوتا ہے کیونکہ وہ واجب، نان و نفقہ واجب ہے، اس لیے کمانا واجب ہے، ہے نا. اب لازمی ہے انسان کو اپنی زندگی کی بھی بقا کے لیے بھی انسان کماتا ہے کہ مجھے زندہ رہنا واجب ہے اس لیے کماتا ہوں، لیکن اس وجوب میں لازمی ہے کہ ایک پرت ہوتا یا کئی سارے اسباب سے آپ کے اوپر وجوب کا عائد ہے. آپ جب جا سکتے ہیں نا تو لازمی ہے کہ ایک پہلو نہیں، کئی سارے پہلو ہیں. خود آپ انسان اپنی عزت کے لیے کماتا ہے، عزت کا بھی، اپنی ڈگنیٹی کو بھی پروٹیکٹ کرنا واجب ہے. اس لیے بعض جگہ جہاں پر آپ کو شریعت کھڑا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، ٹیمپریری اجازت دیتی ہے، کیونکہ آپ کی ڈگنیٹی جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہے. شریعت کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم مجروح ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اپنی ڈگنیٹی کو مجروح مت کرنا. وہ کہاں کمپرومائز ہوگا، وہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے، وہ کسی اور وقت کے لیے. لیکن شریعت نے یہ قانون رکھے ہیں کہ آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی ریسپیکٹ، آپ کا جو ہے وہ اپنا شخصیت کا ایک مرتبہ بہت ہی شریعت کی نگاہ میں امپورٹنٹ ہے. جلدی سے یہ ایک دو حق ہیں ختم کر دوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں، اس کے بعد مہر کا حق دیا ہے. کس کا حق دیا ہے؟ مہر کا حق دیا ہے کہ آپ اپنا خود وہ مہر رکھ سکتی ہیں. تو اسی کے لیے کہ وات النساء صدقات ہن نخلتن فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسن فکلوا ہنیئا مریا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے کہ جہاں خدا نے عورت کو اس کا مہر ادا کرنے کا مرد کو حکم دیا ہے. اور یہ خوبصورت بات سنیے، امام نے بڑا پیارا اس کے لیے جملہ کہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرد جو مہر دیتا ہے اس میں خمس نہیں ہوتا، اس پہ خمس ایگزمٹڈ ہے. اس کا ریزن یہ، اچھا وہاں جو لیتی ہیں اس پہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے نکالیں تو ان کے اوپر ٹیکس لگ جائے، نہیں، ان کے اوپر بھی نہیں ہے، بہت سائڈ سے اس کے اوپر سے ایگزمپشن ہے. اور اس کا ریزن، سبب یہ ہے، سنیے، امام نے جو اس کا سبب بتایا کہ اگر تم خمس، اگر ہم تمہارے اس پہ لگا دیتے اور تم بغیر پے کیے ادا کر دیتے تو مہر ہی ادا نہ ہوتا، اور مہر ادا نہ ہوتا تو تمہاری اولاد پھر جائز نہیں ہوتی، اور جو اولاد جائز نہیں ہوتی اس کے دل میں ہماری محبت نہیں آتی. اس لیے ہم نے یہیں سے رائٹ لے لیا پہلے. کتنی بڑی لاجک ہے یہ کہ ہم نے تم سے رائٹ یہیں سے اپنا وڈرو کر لیا تاکہ وہاں جو ہماری محبت کا رائٹ ہے وہ باقی رہے. اس پیسے سے رائٹ ہم وڈرو کر رہے ہیں تاکہ ہماری محبت کا جو واجب حق ہے وہ تم پہ واجب الادا رہے. یہ تو لازمی کہ یہ بہت رائٹ ہے. تو پراپرٹی کو نہ صرف رکھتی ہیں، بلکہ میں نے بارہا اس کو کہا آپ کی خدمت میں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مہر کی رقم کتنی پاک ہوتی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس پہ آخری بات، کہ یہ 12واں حق تھا، پھر اور بھی حق ہیں، ہے نا، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت. لیکن یہ 12 حق ابھی جو آپ کی خدمت میں 11 حق ہیں، یہ قرآن کی روح سے آپ خدمت بیان کی، جس کو قرآن نے عورت کو رائٹ دیا تاکہ آپ وومنس ڈے منائیں. تو اس عالم سے منائیں کہ آپ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کو مد نظر رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور خواتین کو ان کا سارے رائٹس دیں تاکہ آپ قرآن کی تفسیر پہ عمل کرنے کا ثواب بھی پا سکیں. تو آئے آنے کے بعد کہا، مولا میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی دوا بتا دیجیے. ہم نے دوا لکھ دی کہ بھائی یہ کھا لو بازار سے، لے کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. تو وہ لے کے گیا، کھا کے دن رات کہ مولا میرے پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوا. وہاں کہتے ہیں میرے نسخے میں غلطی نہیں ہے، تیری طرف سے غلطی ہے، تیری طرف سے غلطی ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ کہا میں میری طرف سے غلطی ہے. کہا تیری بیوی ہے؟ بولے ہاں. بولے اس کا کوئی مہر کی رقم باقی ہے اس کے پاس؟ بولے ہاں ہوگی. کہا اب اس مہر کی رقم میں سے کچھ لے لے، اس سے بذر کروا لے، ادھار لے لے، اور اس سے دوا خریدو، پھر کھا. تو وہ گیا، اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے ریکویسٹ کی، بیوی نے کچھ رقم اپنے مہر میں سے اس کو دے دی، اس سے دوا لی، فوراً ٹھیک ہو گیا. پھر آیا تو بولے دوا میں تو شفا تھی، جس مال سے تین نے خریدا تھا اس میں شفا نہیں تھی. اب یہ سنیے، بہت بڑا پیغام ہے یہ، شاید میں اس دوری تک آپ کو لے جاؤں، اور یہ چھٹے امام کا بہت بڑا پیغام ہے. ہر اعتبار سے آپ اس کو سوچیے گا، شاید ایک گھنٹہ بھی آپ کے لیے کم ہے. کہتے ہیں اللہ نے کسی حرام میں انسان کے لیے شفا نہیں رکھی ہے، کسی حرام میں انسان کے لیے شفا نہیں رکھی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے مال میں وہ طہارت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوا خرید رہا ہو جو دوا اثر کرے. تو اس نے کہا وہ پاک مال وہاں پڑا ہوا، اس میں سے پاک دوا لے لے،
تو پاکیزگی سے سوال کرے گی تو بھی بیماری سے پاک ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. قال مولا تجھ واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما, تجھن پریشان پریشان کو دور فرما دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سکون سر کے ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. حاضرین مجلس کے نیک حاجات مناتو قبول فرما, جہاں کبھی شیان حیدر کرا رہے ہیں پانے والے حاضر مجلس میں جماعت میں جمعہ بنوائے سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. مخصوص نوشاد بھائی اپنے فدا بھائی, عابد بھائی محمد بھائی, بانو بن میں دیکھ, مخصوص غلام حسین آصف بھائی اپنے فکر, منہج بھائی اپنے راحت بھائی, راحت بھائی اپنے جمال بھائی, صوفیہ بن دلاور بھائی, لیاقت بھائی اپنے چاند بھائی, احسان بھائی اپنے محمد بھائی, اشتیاق بھائی اپنے محمد بھائی, پانو منہج بھائی اپنے راحت بھائی, راحت بھائی اپنے جمال بھائی, پانے والے مظاہر بھائی اپنے غلام علی, پانے جمنات بیمار سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, نسم ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں, ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر.